गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास में पहला चैप्टर अपना अपनी संख्याओं की जानकारी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर जो आ रहा है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, देखो हमारे पास संख्याएं जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले एक नंबर पर आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है जो एक से स्टार्ट होती है, एक दो तीन चार अनंत। प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है और प्लस की तरफ अनंत जाती है उसे हम। तो इसमें सबसे पहले एक प्रश्न बनता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो एक रहेगी। और बाय चांस यदि आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तब आपका उत्तर होगा अनंत, अनंत। इसी तरह से दो नंबर पे आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसमें जीरो को और शामिल कर लेते हैं, यानी कि जीरो से प्रारंभ होती है और फिर प्लस की तरफ धनात्मक संख्याएं होती है अनंत। पूर्ण संख्याएं में जीरो सबसे छोटी संख्या है। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए बाय चांस कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा वहां पे शून्य, जबकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास एक होगी। उसके बाद में आता है हमारे पास पूर्णांक आता है। पूर्णांक में क्या होता है, जीरो एक दो तीन अनंत इधर है ही, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरह से इधर भी अनंत आता है, यानी जीरो से भी छोटी संख्याएं होती है इसमें जो हम माइनस में ले लेते हैं उनको। तो जीरो से छोटी माइनस वन टू थ्री, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनमें दो तीन चार पाँच माइनस में, तो वो उतनी छोटी होती जाती है। कई बार बच्चा कह सकता है जैसे माइनस 99 है और माइनस 89 है, इनमें हम लोग छोटी संख्या पूछते हैं बच्चे से, तो वो इसको दे देता है जवाब, 89 को देखता है वो, क्योंकि प्लस में होता है धनात्मक में हो जाता है, लेकिन जब माइनस में हो ना, तो माइनस में जितनी वो बड़ी दिख रही है, जितनी वो बड़ी दिख रही है वो बड़ी नहीं है। माइनस में अगर निशान आ जाए तो वो उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि वो नीचे जा रही है और भी। तो ये होता है हमारे पास पूर्णांक। उसके बाद में संख्याएं हमारे पास कोब है, जैसे भिन्न संख्याएं भी है, भिन्न संख्याएं जो अंश और हर वाली है। उसके बाद में है परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, सम संख्या है, विषम संख्याएं हैं। इस तरह से हमारा जो दूसरा चैप्टर आ रहा है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हमारे पास इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक इसमें परवर्ती संख्या, परवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या, ये संख्या होती है। परवर्ती संख्या होती है हमारे पास अगली, उसके बाद में आने वाली है आगे वाली, जबकि पूर्ववर्ती संख्या में होते हैं पिछली। हमें बैठ जाना है, यदि आपसे ये पूछ ले कि पांच की परवर्ती बताइए, तो पांच प्लस वन हो जाएगा। पांच की मान लो एक से अधिक पूछ लेना, तो पहले तो हो जाएगी पांच प्लस वन कर दो, फिर पांच प्लस दो कर दो, पांच प्लस तीन कर दो, इस तरह से जितनी आपसे पूछे ना उसमें आप जोड़ जोड़ कर इस तरह से निकाल सकते हो। लेकिन पूर्ववर्ती में क्या होता है, माइनस होता है, जिसे पांच की पूर्ववर्ती संख्या लिखो, अगर सिंगल ही पूछे तो पांच माइनस एक करो चार हो जाएगी, और पूछे तो पांच माइनस दो कर दो तीन हो जाएगी, पांच माइनस तीन कर दो इस तरह से दो हो जाएगी। इस तरह से हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं निकालते हैं। तो बच्चों वहाँ पे हम प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 2.1 प्रश्नावली में हमारे पास पहला जो सवाल है उसको ध्यान से देखें आप। इसमें देखो बहुत ही आसान सा दिया है, 10,999 यहाँ पे मैं लिखा हूँ। पहला सवाल है 10,999 के बाद अगली, जिसको हम परवर्ती भी बोलते हैं, अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखें, ये सवाल है। तो इसका यहाँ पे उत्तर होगा, हल होगा 10,000
999 के बाद तीन प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। थोड़ा आप सिस्टम से उत्तर देंगे तो ठीक रहेगा। 10,999 लिखो और इसमें एक जोड़ दो, तो 10,999 में जैसे हम लोग एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11,000। उसके बाद में दूसरी हो जाएगी हमारे पास 11,000 है ना, इसमें एक जोड़ दो, जैसे ये आ गई अगली तो अब इसमें एक जोड़ दो, तो ये 11,001 हो जाएगा। और अब 11,001 में एक जोड़ दो, ये हो जाएगा 11,002। इस तरह से हमने तीन संख्याएं पूछी थी, तो एक तो हो जाएगी 10,999 के बाद वाली पहली संख्या होगी वो 11,000 हो जाएगी। 11,000 में एक जोड़ते तो 11,001 हो जाएगी, 11,002 हो जाएगी और 11,003। इस तरह से ये पहला सवाल बहुत ही आसान सा। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है वो देखें, 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखो। जैसा पहला सवाल है वैसा ही दूसरा है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे पहले सवाल में हमें अगली पूछा था, परवर्ती पूछा था, इसमें पूर्ववर्ती पूछती है, पहली वाली पूछिए, तो आपको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ प्लस किया है वैसे इसमें माइनस कर देना है आपको। तो इसको आप लोग स्वयं करें, ये खुद कर लें, इसमें माइनस करना है। ऐसे लिखोगे आप 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं बराबर 10,001 माइनस एक करो 10,000 आ जाएगी, और फिर 10,000 में माइनस वन करेंगे तो 9,999। इस तरह से आप तीन मिला लो। तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो अभी मैंने बता दिया है ऊपर हेडिंग में, यही बताया था मैंने, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा केवल डायरेक्ट आप लोग हल लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण पूछ रहा है तो पूर्ण में जीरो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये हो जाएगा। फोर्थ सवाल में देखो, छोटे छोटे सवाल है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अब आपको इनके बीच में देखना है 32 और यहां देखना, अच्छी तरह से देखना भैया, 32 और 53 के बीच में पूछ रहा है वो, तो इसको वैसे काउंट में करें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 32 के बाद 33, 34, 35 इस तरह से काउंट करते हैं, हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखो हल लगा के, ये 53 है, इसमें से 32 बैठा दो। देखो ध्यान से देखना, 53 में से 32 बैठा दे और इसमें से फिर माइनस एक और कम करोगे आप, माइनस वन। पहले 53 में से 32 घटाएं, ये इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये दोनों संख्या है ना, इनमें से एक कम और होगा, बीच की संख्या आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम 53 में से 32 घटाएंगे, 21 माइनस 1 यानी कि 20 संख्याएं होगी। तो ऐसे काउंट में करें, सीधा आप लोग निकालें, या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं करें तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इसमें हाइएस्ट संख्या 53 है, 53 में से आपको घटाना है, लोवेस्ट संख्या है 32, 32 नीचे वाली संख्या है, तो आप इसका भी एक कम करके घटा दें यानी कि 31 घटा दें, ये 32 के पूछ रहा है 31 घटा दें, ये भी कर सकते हो, तो ये ठीक रहेगा, आप इसको उतार लें। इस तरह से हमारे चार सवाल तो कंप्लीट हो गए, आगे देखिए पांचवा सवाल क्या है, उतारें इनको। पांचवा सवाल 2.1 का आ रहा है वो देखिए,
पांचवा अपनी बुक में देखा, निम्न की प्रवृत्ति लिखी है, निम्न की प्रवृत्ति लिखी। जैसे इसके में पहला सवाल देखते हैं, मैं एक समझा देता हूँ आपको, बाकी आप खुद करो। चौबीस लाख 40,701 इसका परवर्ती पूछ रहा है, तो आप हल लगा के, जैसे मैं पहला सवाल आपको बता रहा हूँ वैसे सारे सवाल आपको हल करना है। तो यहाँ पे लिखो परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, और परवर्ती पूछ रहा है तो परवर्ती का अर्थ होता है अगली संख्या। जब तो पूर्ववर्ती का नाम आ जाए ना, तब आपको लिखना है पहले की, उसमें पूर्ववर्ती में तो आपको माइनस करना है, जबकि परवर्ती में आपको प्लस वन करना है। तो ये हमारे पास हो गया 24,40,701 प्लस वन कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 24,40,702 हो जाएगा। इस तरह से करना है, इसमें मतलब एक जोड़ना है। इसके अंदर दो तीन सवाल हैं, ये आप कुछ कर लें, जैसे ओरल में पूछी जाती है। थर्ड इसमें है, फोर्थ इसमें है, इस तरह से हो गया। ठीक इसी के विपरीत आता है छठा सवाल है। छठा सवाल है, यही सवाल है, केवल उसमें पूर्ववर्ती आ जाएगा। तो निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अब आपने कोई देखो इसमें देखता है 94 देखता है, पहला पूर्ववर्ती का होता है एक पहले का, तो माइनस वन कर दीजिए। तो हल लगा के लिखोगे आप इसमें पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, और 94 माइनस वन कर दोगे यानी कि 93 आ जाएगा। इस तरह से पूर्ववर्ती का अर्थ हुआ है एक पहले की संख्या, और परवर्ती का अर्थ है एक बाद वाली संख्या। इसके अंदर भी दो तीन सवाल बच रहे हैं, वो आप लोग खुद कर लें। जैसे ये 10,000 है, तीसरा है हमारे पास 2,08,090, चौथा है 7,65,54,321। ये हमारे पास 6 तक सवाल हो गए हैं, उनको उतार लें आप। उसके बाद में अगला सवाल देखेंगे हम, सातवां सवाल। सेवंथ सवाल देखते हैं, तो सेवंथ में क्या देखा है, देखो ध्यान से देखें। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, उनके बीच में उपयुक्त चिन्ह से कम से अधिक का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखना है। तो ये पूछ रहा, देखो अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से, ये वो दो दो संख्याओं के युग्म दिए हुए हैं, प्रत्येक लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित होगी। आपको केवल बाईं ओर स्थित संख्या के बारे में बताना है कि बाईं ओर कौन सी स्थित होगी, इनके बीच में फिर चिन्ह भी लगाना है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वे में सवाल लिखाता हूँ, संख्या रेखा पर कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित होगी, उपयुक्त चिन्ह भी लगाई। देखो इसमें एक सवाल दे रहे हैं, 530 और 503। पहले मैं आपको बताता हूँ संख्या रेखा, संख्या रेखा जैसे इस तरह से होती है, यहाँ मान लो जीरो है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4,
इधर होता है माइनस वन टू थ्री, ये संख्या रिकॉर्ड की। इसमें ध्यान रखना हमेशा दाई तरफ, ये इधर दाई तरफ होता है, इधर जाएंगे तो हम दाई तरफ होता है और इधर आएंगे तो ये बाई तरफ हो जाएगा हमारा। तो दाई तरफ हमेशा बड़ी संख्या होती है और बाई तरफ हमेशा छोटी संख्या होती है, यानी पीछे की तरफ जाओगे तो वो बाई ओर होगा और बाई ओर हमेशा छोटी संख्या होती है। आपसे इस सवाल में क्या पूछा गया ध्यान से देखें, संख्या रेखा पर कौन सी संख्या बाई ओर स्थित होगी, इनमें से बाई ओर बताना है। बाई ओर का मतलब आपको छोटी संख्या बताना है, यदि बाई चांस इसमें दाई ओर पूछ ले तो आपको बड़ी संख्या लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे हल लगा के लिख दोगे इसमें सीधा, देखो बाई ओर स्थित संख्या, या फिर संख्या रेखा पर कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा सकते हो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बाई ओर स्थित संख्या, या सीधा लिख सकते हो संख्या रेखा पर बाई ओर स्थित संख्या। तो बाई ओर इनमें से छोटी संख्या कौन सी है वही लगेगी 503। उसके बाद में छता, आप लोगों को निशान लगाना है 530 लिख लो 503 लिख लो, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है वो देखिए, बड़ी संख्या 530 है, ऐसे निशान लगाना। इस तरह से ये 7th सवाल आपको कंप्लीट करना है। देखो पूछा क्या गया है संख्या रेखा पर कौन सी संख्या बाई ओर स्थित होगी, तो संख्या रेखा पर बाई ओर हमेशा छोटी संख्या होती है, इनमें से छोटी संख्या 503 है तो 530 बड़ी है, तो 530 होगी दाई ओर, आपसे बाई ओर पूछा गया है तो 503 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको चिन्ह लगाना है से कम या से अधिक का, तो ये हमारे पास आ गया 503 से अधिक है 530। इस तरह से आपको ये दूसरा सवाल आपको स्वयं करना है। इसमें 370 कोमा 307 इसी तरह से करना है। उसके बाद में यहाँ से थर्ड क्वेश्चन यहाँ देख लें आप लोग, थर्ड क्वेश्चन है इसमें 98,765 और दूसरी है हमारे पास 56,789। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 98,30,415। दूसरी हमारे पास है 1,23,001। ये लो इस तरह से आपको ये 7th सवाल कंप्लीट करना है। उसके बाद में एक अंतिम सवाल बचा है हमारे पास 8th, जिसमें सत्य असत्य लिखना है आपको, केवल सत्य और असत्य। आठवां है सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला सवाल देखो बहुत ही आसान सा है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, आपको मैंने ये बता दिया है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये सत्य है या असत्य इसका पता यहाँ लगाना है आपको। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या उनका जो समुच्चय है वो 1, 2, 3, 4 अनंत होता है, तो वहाँ शून्य का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, शून्य आया ही नहीं है उसमें, तो शून्य नहीं होगा, 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये इसका रोम हो गया है, असत्य लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। दूसरा देखें आप इसके अंदर 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, आप लोगों को पता क्या लगाना है, ये लगाना है कि 399 का पूर्ववर्ती कौन होगा, 399 का पूर्ववर्ती 398 होता है, पूर्ववर्ती का मतलब एक पहले का, तो 399 से तो एक पहले 398 आता है, जबकि वो 400 के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास असत्य। थर्ड प्रश्न आ रहा है हमारे पास शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या आपको याद होनी चाहिए, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4 प्लस की ओर अनंत जाती है, तो ये यहाँ पर सही हो गया है कि उसमें शून्य सबसे छोटी रहेगी। फोर्थ सवाल देखें इसमें 600 संख्या 599 का परवर्ती है,
परवर्ती का मतलब 599 के ठीक अगली संख्या एक जोड़ना है, तो 599 में एक जोड़ते हैं तो हम 600 आते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सत्य हो गया। इसमें से पांचवा सवाल देखें आप, पांचवा, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, इसको देखें आप, प्राकृत संख्याएं होती है हमारे पास 1, 2, 3, 4 अनंत, और पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। तो सभी प्राकृत संख्याएं, ये संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में भी तो है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, सत्य। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास 8 ऑप्शन, 8 से 5 तक सवाल कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न इनको आप लोग आराम से थे नोटबुक में उतारते रहें, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।